गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज है तेईस फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है संसद रत्न पुरस्कार समारोह का जो तेरहवा संस्करण है ये कहाँ पर होगा महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है भारत सरकार और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता हुआ है डिस्कस करेंगे भारत का पहला हाइब्रिड सराउंडिंग जो रॉकेट है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है दिल्ली की नई मेयर कौन बन गई हैं म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस देश में होता है भारत के 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो विस्तार को मंजूरी दे दी गई है तो इसी के साथ आज के सेशन में विधि आयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग जो पार्क है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है डस्ट एज ए सोलर सील्ड क्या है डिस्कस करेंगे भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितने प्रतिशत घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है जानेंगे दिवंगत सीरियस विपिन रावत के सम्मान में किस देश के मंदिर में घंटी लगाई गई है डिस्कस करेंगे इसी के साथ टॉप टेन स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होंगे भारत के पर्वत तो भारत के पर्वत से बनने वाले टॉप टेन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में कौन सा देश म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है जर्मनी भारत जापान या फिर रसिया इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है सिएटल यह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अमेरिकी शहर है जिसने जातिगत भेदभाव पर रोक लगा दी है तो इस सिएटल के द्वारा लगाई गई है डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित तो सीएटल सिटी काउंसिल ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है यह पहली बार है कि जब अमेरिका के किसी शहर ने जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के खिलाफ कानून बनाया है आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करेंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है तो याद रखेंगे एशिया का पहला देश है चाइना अगर दुनिया का दूसरा देश पूछे तब भी याद रखेंगे चाइना है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो है जर्मनी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा है भारत है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है तो इज़राइल है गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है फिलीपींस धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का जो पहला तमाकू कानून है ये किस देश की संसद ने पारित किया तो तो आप सभी को याद होगा ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं तो सबसे पहले हम जिस शहर की बात कर रहे हैं अमेरिका के सिएटल तो सिएटल की लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सिएटल जो शहर है वो आपको यहाँ पर मैप में देखने को मिलेगा वही बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका की राजधानी बॉन्सीघटन डीसी है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडेन है यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और यहाँ की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर कहते हैं अमेरिका की राजधानी जो बॉन्सीघटन डीसी है ये किस नदी के किनारे स्थित है तो याद रखेंगे पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है अमेरिका की संसद का क्या नाम है तो फ्रेंड्स अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है यूएसए की जो सबसे लंबी नदी है इसे मिसौरी नदी कहते हैं अमेरिका का सबसे लंबा जो पर्वत है ये कौन सा है तो याद रखेंगे रॉकी जो माउंटेन है ये कहाँ पर है यूएसए में सी आई ए ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जिसे हम सी आई ए के नाम से जानते हैं अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगों आपको दिखाई देगा जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि जितनी भी पी या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा अगला सवाल है कि बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो याद रखेंगे विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी डिस्कस करेंगे विधि आयोग से संबंधित क्योंकि विधि आयोग इस समय सुर्खियों में है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जिसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने याद होगा आप सभी को कि 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया था कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है तो याद रखेंगे ऋतु अवस्थी इस नाम को आप सभी अच्छे से रट लेंगे पांच सदस्यीय बाईसवें जो विधि आयोग है इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा न्यायमूर्ति बी एस चौहान इक्कीसवें विधि आयोग के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में ही समाप्त हो गया था वहीं बात की जाए विधि आयोग की तो जो विधि आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है इसका जो मुख्य कार्य है वो कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना है इसके सदस्य मुख्यतः कानूनी विशेषज्ञ होते हैं प्रथम आयोग वर्ष अठारह में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था याद रखेंगे प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था किसकी अध्यक्षता में घटित किया गया था तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में इक्कीसवें विधि आयोग की कार्य जो कार्य कार्यविधि थी ये कब तक थी तो याद रखेंगे इकतीस अगस्त दो तो तक थी पंद्रहवें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं एन के सिंह हैं वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे के सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे तो याद रखेंगे बी नरहरी राव नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर सुमन बेहरी हैं भारत के पहले लोकपाल कौन थे तो याद रखेंगे पी सी अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जन बाईस फरवरी को भारत सरकार और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है तो फ्रेंड्स ये जो हवाई समझौता भारत ने किया है ये गुआना के साथ किया है याद रखेंगे किसके साथ किया गया है तो गुआना के साथ गुआना के बारे में एक पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि जो सत्रहवा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था ना इंदौर में इंदौर ने मेजबानी की थी यानी कि मध्य प्रदेश ने इसमें मुख्य अतिथि कौन थे तो गुआना के प्रेसिडेंट थे गुआना के प्रेसिडेंट का नाम आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली जो कि सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे भारत में गोआना के वर्तमान में प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स हैं यहाँ की राजधानी को कहते हैं जॉर्ज टाउन गोआना की जो करेंसी है इसे कहा जाता है गयानीज डॉलर याद रखेंगे आप सभी पूछी जा सकती है या तो आपसे यहाँ के राष्ट्रपति पूछ लेंगे या फिर राजधानी या फिर यहाँ की मुद्रा गोवाना की जो लोकेशन है वो आप सभी मैप में देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है अगला सवाल है कि संसद रत्न पुरस्कार समारोह का जो तेरहवा संस्करण है ये कहाँ पर होगा तो फ्रेंड संसद रत्न पुरस्कार समारोह का जो तेरहवा संस्करण है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा डिस्कस करेंगे समारोह के बारे में क्या आखिर ये है क्या तो संसद रत्न पुरस्कारों की जो स्थापना है वो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी यानी कि इसका संबंध किससे है सांसदों को सम्मानित करने से उन्होंने स्वयं वर्ष 2010 में यानी किसकी बात की जा रही है ए पी जे अब्दुल कलाम जी की 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का इन्होंने शुभारंभ किया था अब तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 90 सांसदों को सम्मानित किया जा चुका है संख्या के संदर्भ में जो पुरस्कारों के शतक के निशान को पार कर तेरवा संस्करण इतिहास दर्ज करेगा तो याद रखेंगे इसका आयोजन पच्चीस मार्च दो को नई दिल्ली में होगा आगे डिस्कस कर लेते हैं संसद लेटेस्ट करेंट अफेयर कृषि मंत्रालय द्वारा बीस दिसंबर को संसद में बाज, बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया था दुनिया के पहले सिंगल चार्जर जो नियम है इसको मंजूरी दी है यूरोपीय संसद ने पैंसठवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा के द्वारा की गई थी प्रधानमंत्री नए संसद भवन की यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था कमेंट्स करके बताएंगे कि जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है इसके वास्तुकार कौन हैं अगला सवाल है कि निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड सराउंडिंग जो रॉकेट है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला हाइब्रिड सराउंडिंग रॉकेट है इसकी लॉन्चिंग तमिलनाडु से की गई है तमिलनाडु में एक गांव है जो आपको याद रखना है उस गांव का नाम है पट्टी पूलम गांव यहीं से इसकी लॉन्चिंग की गई है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है रॉकेट का जो उपयोग है वो मौसम वायुमंडलीय स्थितियों और विकर्णों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस ये आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे पूछा जा सकता है भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एयरो स्पेस द्वारा देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी कि विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में डिजाइन किया गया था इसरो ने एस एस एल डी टू रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया था तो ये हाल ही की न्यूज़ है तीन रॉकेटों को स्थापित किया गया था इसरो के द्वारा निसार इसरो और किस जो निसार है ये इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के द्वारा इसरो किस इस देश के सहयोग से मून पर साइट पर खोज करेगा तो ये जापान के साथ खोज करेगा कौन इसरो अगला सवाल है कि भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया तो जो महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में आयोजन किया है किसने भारतीय सेना ने डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में तो मैप में आप सभी जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था इकतीस अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं जम्मू शीतकालीन राजधानी है श्रीनगर यहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी है उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा है यहां के प्रमुख नेशनल पार्कों में आते हैं किश्तबार नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क और ताचिंगम नेशनल पार्क भारत के मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बूलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में आती है कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर की पांच आधिकारिक भाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है हिंदी उर्दू डोंगरी कश्मीरी और अंग्रेजी यहाँ के प्रमुख बांध हैं बगलीहार बांध जो कि चिनाब नदी पर स्थित है दुल्हस्ती बांध ये भी चिनाब नदी पर है और उरी द्वितीय बांध जो कि झीलम नदी पर बनाया गया है अगला सवाल है कि दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो घंटी मंदिर में लगाई गई है मुक्तिनाथ मंदिर में तो ये नेपाल में लगाई गई है कहाँ पर नेपाल याद रखेंगे आप सभी नेपाल में हिंदू मंदिर में और इसे इस घंटी को जो नाम दिया गया है इसका नाम है विपिन बैल नेपाल के पीएम कौन है तो याद रखेंगे पुष्प कमल प्रचंड जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और इन्हें नियुक्त किसने किया था तो विद्या देवी भंडारी जो कि वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं कहाँ के नेपाल की मैप में आप सभी नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं यह है नेपाल भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में ही किसका हेडक्वार्टर है तो याद रखेंगे सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है भारत तो और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करेंगे अगला सवाल है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है तो आप सभी जानते होंगे कि जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है समताप मंडल इस समय सुर्खियों में है डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने डस्ट एज ए सोलर शील्ड नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें एक प्रस्ताव के साथ यह जानकारी दी गई है कि समताप मंडल में चंद्रमा की धूल यानी कि मून डस्ट पहुंचने से ग्लोबल वार्मिंग धीमी हो सकती है ये रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है तो पूछा जा सकता है यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच गुणत्वाकर्षण बिंदु पर मून डस्ट के नियमित परिवहन का प्रस्ताव दिया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से तो मैप में और ये पिक में आप सभी समझ सकते हैं छो मंडल के बाद आती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम समताप मंडल कहते हैं और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगी ओजोन लेयर अगला सवाल है कि भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितने प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है तो पूंजीगत जो खरीद बजट का जो निर्धारित किया गया है ये सेवेंटी फाइव परसेंट निर्धारित किया गया है डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 परसेंट निर्धारित किया गया है अगला सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की जो आधारशिला है ये किसने रखी है तो फ्रेंड्स ये जो पार्क है ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में और इसकी जो आधारशिला है ना वो नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई है जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग जो पार्क है ये कहाँ पर बनेगा तो याद रखेंगे आप सभी ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी समाज के निर्माण के विजन को ध्यान में रखते हुए इस पार्क को विकसित किया जा रहा है याद रखेंगे कि 2016 में केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया था यह कानून विकलांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है कानून कब का पारित हुआ था 2016 में अगला सवाल है कि कौन सा देश म्यूनिक शिखर सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है तो जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है ये जर्मनी के द्वारा आयोजित किया जाता है डिस्कस करेंगे सम्मेलन के बारे में कि आखिर ये है क्या म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है यह दुनिया भर के वरिष्ठ राजनेताओं और सैन्य सैन्य नेताओं को जर्मनी के म्यूनिक में एक मंच पर लाता है म्यूनिक कहाँ पर है तो याद रखेंगे ये आता है जर्मनी में 2023 के सम्मेलन में जो हाल ही में आयोजित किया गया था यूक्रेन में युद्ध पर फोकस किया गया कई सालों में पहली बार रूस ने इस कार्यक्रम में अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा इसलिए ये जो सम्मेलन है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है पूछा जा सकता है कि इसकी मेजबानी किसने की थी 2023 में तो जर्मनी के द्वारा की गई थी इसी के साथ याद रखेंगे दिल्ली की नई मेयर बन गई हैं सैली ओब्रॉय जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं किस देश से टकराया चक्रवात फ्रेडी तो याद रखेंगे चक्रवात जो फ्रेडी है ये आया है मॉरिसस में किस आ, किस पूर्व आई ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है बी बी सुब्रमण्यम चेस में भारत के अस्सी ग्रैंड ग्रांड मास्टर कौन बन गए हैं तो इनका नाम है बिग्नेस एनआर अगला सवाल देखेंगे दादा साहब फाल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है तो द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च कर दी है तो ये सिंगापुर के साथ की गई है खबरों में रही पेंगोंग तसो जो झील है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो याद रखेंगे ये आती है लद्दाख में वेदांता फॉक्सकॉन जेबी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है तो इसका जो इसे जो स्थापित किया जा रहा है वो गुजरात राज्य में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो 21 फरवरी को मनाते हैं आई वर्ल्ड कप में किस देश ने दस मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीत लिया है तो ये गोल्ड भारत ने जीता है किस राज्य के पूर्व गवर्नर ओ पी कोहली का निधन हो गया है तो फ्रेंड्स ये कहाँ के गवर्नर रहे थे गुजरात के सरकार ने किस मिशन की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले पैनल का गठन किया है तो मिशन कर्म योगी के बारे में तो फ्रेंड्स ये था कल का करेंट अफेयर अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप टेन स्टैटिक जी के जी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पर्वत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सैंडल पीक अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है गुरु शिखर कौन सी पर्वतमाला साहाद्री के नाम से जानी जाती है पश्चिमी घाट को साहाद्री के नाम से जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अनामुड़ई है नंदा देवी चोटी कहाँ पर है तो याद रखेंगे ये कुमायूं हिमालय का ही भाग है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है तो गॉडविन ऑस्टीन है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पांजाल के बीच उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो नंदा देवी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पारसनाथ है धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर जो बस है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो सही आंसर था ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एम जी अवॉर्ड दिया है मिस्र के राष्ट्रपति ने बोकारो स्टील लिमिटेड की जो स्थापना है ये किसकी सहायता से की गई थी तो सोवियत सिंह सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रसिया की सहायता से विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में पहला सवाल है कि निम्न में से कहाँ की रहने वाली फलक मुमताज ने तेईसवीं नेशनल स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है अगला सवाल है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है तो आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत